हेलो एवरीवन, बिटकॉइन में काफी अच्छा सेटअप हमें देखने के लिए मिल रहा है। बिटकॉइन है वो इस लेवल से 20,000 तक क्रैश होने की पॉसिबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी विल बी सीन। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस जो बिटकॉइन को पुश कर सकते हैं 20,000 के लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन। तो यहाँ पे हमने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, विच इज 68,000 के आसपास उसका लाइफ टाइम हाई था, राइट। यहां से जो रैली स्टार्ट हुई है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे एम टाइप का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दिया है, राइट। यहाँ पे हमारा एम टाइप का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दिया। तो बिटकॉइन है दोबारा उसी लेवल पे यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए, सेम विच इज जो इम्पोर्टेंट लेवल है 31,000 पे, वहां पे दोबारा से रीटेस्ट करता हुआ हमें, रीटेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहां से काफी अच्छा हमें डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकता है। इवन मैं अभी बात कर रहा हूँ 20,000 की, लेकिन एज पर द सेटअप यहाँ पे 12,000 के लेवल भी है, वो अपकमिंग डेज में आ सकते हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी विल बी सीन। ठीक है, तो चलते हैं डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको वीकली चार्ट पे ये देखना है कि ये जो लेवल मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, ये यहाँ पे सप्लाई जोन का काम कर रहा है। ठीक है, पहले ये यहाँ पे डिमांड जोन था जो ब्रेक हो चुका है, हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है जो ऑलरेडी उसने यहाँ पे 31,000 पे क्या क्या है फेस किया हुआ है। अभी वो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ से डाउन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है जो 32,000 का जो लेवल है, 31,500 से लेके 32,000, वो 500 पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिटकॉइन के लिए, वहां पे सप्लाई जोन हम बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे उसने इसको टच करके काफी ज्यादा हमें पैनिक देखने के लिए मिली, राइट। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें एक वीक पहले, तो बिटकॉइन में 7-8% की डाउनसाइड हमें एक ही दिन में देखने के लिए मिली, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहां से लेके आप देख सकते हो ये पॉइंट से लेके मल्टीपल टाइम है जो बिटकॉइन है, मतलब यहां से एक बार उसने ऑलरेडी सपोर्ट लेके और फाइनली इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, जो ट्रेंड लाइन का लेवल था उसने बिटकॉइन के जो प्राइस है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और काफी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। अगर नॉर्मल तरीके से ब्रेक होता छोटी कैंडल से तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल ने कम से कम 10% की कैंडल से यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेक किया, विच इंडिकेट द हाई सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो ऑलरेडी बिटकॉइन का जो चार्ट है वो यहां से क्या हो रहा है, वीक दिख रहा है, और जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, राइट, तो आप यहां पे देख सकते हो ब्रेक करने के बाद एक वीक से बिटकॉइन है वो इसी लेवल पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक रेंज बना के हुए, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे इसका मेन सपोर्ट लेने का रीजन क्या है, ये यहाँ पे माइनर हमारा यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, इसके कारण जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा। इसको और हम थोड़ा सा जूम करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस दिन इसने ब्रेक किया उसके अगले दिन यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे रीसेट हो गया, मतलब रीटेस्टिंग ऑलरेडी हो गई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे काफी टाइम से ये क्या कर रहा है, इस जोन को सपोर्ट ले रहा है, और ये जो जोन है वो 26,000 का जोन है, मींस 25,800 से लेके 26,000 का जो जोन है वो यहाँ पे एज अ माइनर सपोर्ट के तरीके से वर्क कर रहा है, और ऊपर के साइड
26,800 से लेके 27,000 का जो जोन है वो वहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बिटकॉइन है वो इसी रेंज में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल से इसको क्या होगा, दोबारा से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बाइंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर हम बड़े चार्ट की तरफ चलते हैं, ओवरऑल मेजर ट्रेंड के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने सेल इंडिकेशन दे दिया है। तो अब ऑलरेडी 8 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, कुछ इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि एक दो कैंडल है वो इसी रेंज में, डेली की जो कैंडल है वो इसी रेंज में हमें देखने के लिए मिले। लेकिन फाइनली यहाँ पे इसको सेल साइड की एंट्री हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो जो ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड की एंट्री ले सकते हैं। परफेक्ट सेल साइड की आपको एंट्री लेनी है बिलो द 25,200 के बिलो, अगर जैसे ही ये निकलता है तो काफी ज्यादा हमें, और वो भी निकलेगा तो एक ही दिन में आपको डाउन साइड देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी अच्छी रेंज बना रखी है। तो जब भी पैनिक आएगी तो वो एक ही दिन में यहाँ पे काफी अच्छा 10-15% का क्रैश हमें बिटकॉइन में देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इस लेवल को इम्पोर्टेंट है, तो इस लेवल को आप क्या करो, यहाँ पे ध्यान में रखो, द लेवल विल बी 25,200 के बिलो जैसे ही निकलता है तो यहाँ पे शार्प पैनिक हमें देखने के लिए मिल सकता है। और कितना मिल सकता है, तो जो नेक्स्ट उसका जो डिमांड जोन आ रहा है विच इज अ 20,000, तो 20,000 तक हमें यहाँ पे बिटकॉइन है वो यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, अगेन इट विल बी ब्रेक दिस डिमांड जोन ऑल्सो, ठीक है। और ये डिमांड जोन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, कि यहाँ से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये जो रैली स्टार्ट हुई थी वो ब्लैक रॉक के ETF के कारण हमें ये जो रैली है वो देखने के लिए मिली थी, और यहाँ से काफी एग्रेसिव मूव हमें देखने के लिए मिली है। तो ये जो जोन है वो हमारे लिए डिमांड जोन है और काफी इंपॉर्टेंट जोन है पुल बैक के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस जो 26,000 के आसपास चल रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ मत करिए, लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में बनाए रखें। जैसे ही 25,200 के बिलो जाता है तो आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते हो। टारगेट जो ऑलमोस्ट वन साइडेड आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है विच इज 20,000। और इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर 20,000 पे यहाँ पे ऐड ना करें, इससे भी बिलो लेवल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आज का जो वीडियो है आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया बिटकॉइन की एनालिसिस के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी रहती है या कोई भी सजेशन रहता है तो आप यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।